of the chapter that is the chemical properties of metal now what type of a mcq can be framed from these type of ncrt texts we will discuss in this video so we start with the first part what happened when metal burnt in air so whenever a metal a burnt in air which means it is reacting with oxygen it forming metal oxide. This is the first important point. From here, what happened when metal reacts with an air or a burnt in air? It form a metal oxide. Now the second important question which can be framed from this topic: What is the nature of metal oxide? Metal oxide is basic in nature. Basic in nature, which means it turns red litmus blue. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट हैपन मेटल बर्न विद इट फॉर्म अक्साइड व नेटल ऑक्साइड इट इज इन नेट इज डिजोल्व इन वॉटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड सो अभी तक जो हमने इतना टॉपिक किया इसमें से बेसिक ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है दैट इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन it form a metal oxide this part then there are few examples which are given to you in the ncrt that is when copper react when copper react with oxygen it form copper oxide when aluminium react with oxygen it form aluminium oxide these are the reaction and this is a very important reaction because they can be asked in a form of a balancing equation for example we are writing al plus o2 forming al2o3 now we have to balance this equation al plus o2 forming al2o3 so how it is balanced and in exam it is given xyz so now you have to identify what is x what is y and what is z सो इन दिस केस इफ वी प्लेस टू हेयर सो इट बिकम फोर ए एल एंड थ्री सिक्स ऑक्सीजन सो थ्री ओ टू ठीक है जैसे अगर आपके पास इक्वेशन है ए एल प्लस ओ टू फॉर्मिंग ए एल टू ओ थ्री अब यहां पर थ्री ऑक्सीजन है और यहां पर टू ऑक्सीजन है तो ये तभी बैलेंसड हो सकते हैं जब ये सिक्स एक इनका कॉमन मल्टीपल सिक्स है तो अगर मैंने इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स हुआ अब इस थ्री को सिक्स बनाना है तो यहां मुझे टू करना पड़ेगा तो ए एल कितना हो गया फोर तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इक्वेशन से आया वॉट हैपन वेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म एन एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है Name an amphoteric oxide. That is aluminium oxide. And one more oxide is zinc oxide. That is Al2O3 and ZnO. So these two are a important. We can say amphoteric oxide. Next important point from this amphoteric oxide. Write the balanced equation. What happened when it react with an acid? What happened when it react with a base? So this is the reaction which is given to you in the NCRT book. दिस वन दैट इज ए एल टू ओ थ्री सिक्स एच सी एल फॉर्मिंग ए एल सी एल थ्री प्लस एच टू ओ अब यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है आपको ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट फॉर्म में दी होगी ए एल टू ओ थ्री इज गिवेन टू यू एच सी एल इज गिवेन टू यू एंड यू हैव टू राइट आउट द प्रोडक्ट सो वॉट हैपन वेन एन बिकॉज दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड सो इट रिएक्ट विद एच सी एल फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वॉटर दोनों ही केस में सॉल्ट और वॉटर बन रहा है और आपको ये प्रोडक्ट लर्न करने हैं दैट इज एल सी एल थ्री प्लस थ्री एच टू ओ एंड इन केस ऑफ एन एच इट इज एन ए एल ओ टू दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको लर्न होने चाहिए ठीक है थीके? तो अभी तक हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड सो आंसर्स आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड है विच इज गिवन इन योर एनसीआरटी एंड राइट द रिएक्शन फॉर द एम्फोटेरिक नेचर सो दिस वील द रिएक्शन एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप अगेन इन दिस फॉर्म जैसे हमने इसको बैलेंस किया था एक्स वाई एंड जेड फॉर्म में वैसे ही इन दोनों इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड कोफिशियंट पूछ के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ठीक है वन मोर थिंग एज आई हैव टोल्ड यू मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर सो दिस इज अटल ऑक्साइड विच इज वेन डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एन हाइड्रो ऑक्साइड एंड दीज आर द अल्कली वाई दे आर कॉल्ड अलकली बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस ठीक है तो ये रीजनिंग एंड एसोशन का क्वेश्चन है ऑल अलकली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नाट अलकली तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है ऑल अलकली आर बेसिस यस सभी अलकली बेस हैं पर क्या सभी बेस अलकली हैं नो बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट वॉटर सोल्यूबल देर आर ओनली फ्यू बेसिस विच आर वॉटर सोल्यूबल सो अभी जो हमने एक फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया हेयर सो दिस इज अ पार्ट वॉट हैपन वेन मेटल बर्ड इन हेयर मेटल विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी किसकी है साइंस में या केमिस्ट्री में हम कहें तो एक्सेप्शन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सो एल्यूमिनियम एंड जिंक दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड यू मस्ट लर्न दियर रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड इट इज गिवन ऑन योर नेक्स्ट पेज जस्ट शेयर दीज आर द पॉइंट ये पूरी एक एक्टिविटी है ठीक है जस्ट इट अब इस पूरे पैराग्राफ में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट पोटेशियम एंड सोडियम दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल दैट कैचेस फायर व्हेन दे द इन ओपन सो दे आर नॉट इन ओपन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस फायर बाय कैप्ट अंडर कैरोसिन तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसे कैरोसिन के नीचे रखा जाता है पोटेशियम एंड सोडियम मेटल को देन एट द सेम टाइम ये जो एक पूरा पैराग्राफ है ये एनोडाइजिंग प्रोसेस को बताता है व्हाट इज एन एनोडाइजिंग प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिन थिक ऑक्साइड लेयर ओवर एल्यूमिनियम आर्टिकल ठीक है अगर हम किसी भी मेटल की बात करें वेन एवर इट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर उसकी क्रोजन स्टार्ट हो जाती है इट स्टार्ट डेटोरेटिंग बट वॉट हैपन इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एल्युमिनियम के केस में द मोमेंट इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह लगती है इसलिए एल्यूमिनियम के आर्टिकल कुछ दिनों बाद डल अपियरेंस के हो जाते हैं वाई दे बिकम डल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट आर द मेटल्स विच आर प्रोटेक्ट बाय दिस काइंड ऑफ ए कोटिंग देन द एग्जाम्पल हेयर आर द एल्यूमिनियम एंड जिंक सिमिलरली अगर हम एक आयरन का रॉड लेते हैं आयरन की रॉड लेते हैं और उसको हीट करते हैं वो बहुत टाइम लेगी बर्न होने में बट जैसे ही हमने आयरन फिलिंग्स फिलिंग्स का मतलब होता है उसके एक तरह से बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ आयरन को लेते हैं एंड वेन वी स्प्रिंकल इट ऑफ अ बर्न इट बर्न्नस विद अ वेरी मच फ्लेम ठीक है सिमिलरली कॉपर डज नॉट बर्न ठीक है बट अगर हम कॉपर को हीट करते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा भी जाता है मैक्सिमम टाइम स्टेटमेंट फॉर्म में वॉट हैपन वेन वी हीट द कॉपर मेटल सो देन अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर इट सिल्वर और गोल्ड अनरिएक्टिव हैं दे इवन डोंट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर ठीक है तो एनोडाइजिंग हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट है जो एनोडाइजिंग प्रोसेस शो करता है दैट इज द एल्यूमिनियम केस

दैट इज वॉट हैपन वेन मेटल रिएक्ट विद वॉटर अब यहाँ पे भी डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटी है एज वी नो सभी मेटल सिमिलर वे में रिएक्ट नहीं करते हैं ठीक है तो यहाँ पे डायग्राम एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ मेटल दिया हुआ है ग्लास वुल सोड इन नो वॉटर हीट कर रहे हैं देन इट बिकम्स स्टीम है मेटल का सेम्पल है देन रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होगी विच इज कलेक्टेड बाय दिस मैथड ओवर दिस वाटर दिस इज एन हाइड्रोजन गैस ये पूरी एक अरेंजमेंट है नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज वॉट हैपन वेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर सो इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जैसे अभी हमने बताया कि डिजोल्व होगी वॉटर में फॉर्म करेगी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और कौन सी गैस रिलीज करेगी हाइड्रोजन गैस सो इट विल भी रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस इन दिस केस ठीक है अब सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती और वही क्वेश्चन है जो जिसमें से इजिली एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ हर एक लाइन में एक एमसीक्यू मिलेगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली ये सबसे पहला एमसी विच मेटल रिएक्ट वायलेंटली पोटेशियम एंड सोडियम ईवन विद कोल्ड वाटर ये आपको इस तरह से स्टेटमेंट आ जाएगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक uh, दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट और आपको डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी विद मेटल गिवन है तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल रिएक्ट करता है और कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता तो पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और ये इतना एग्जोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इट जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई वो एकदम से फायर को कैच कर लेगी ठीक है सो द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वेरी वॉलेंटली हर एक केस में हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी रिलीज होगी बट इस केस में इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि वही हीट एच टू गैस को बर्न कर देती है और एकदम से वहां पे वॉयलेंट रिएक्शन होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैल्शियम अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखें तो सोडियम एंड पोटेशियम ऊपर है कैल्शियम नीचे है तो इट रिएक्ट वेरी लेस वायलेंट मीन्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो होती है बट इस केस में वो फायर कैच नहीं करता बट जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई वो अटैच हो जाएगी कैल्शियम की सरफेस के साथ जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मड इज स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब एक और ऐसा मेटल जो सर्फेस पे स्टिक करता है पर वो कोल्ड वाटर से रियक्ट नहीं करता देन आंसर इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर पर वो कौन से वाटर से रिएक्ट करता है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है पर वही हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सर्फेस पे अटैच हो जाती है और वो जैसे बबल बन जाते हैं मैग्नीशियम के आसपास जिससे मेटल वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है तो ये एक इंपॉर्टेंट जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया विच वन विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर पोटेशियम एंड सोडियम विच विल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन विच केस इट स्टार्ट फ्लोटिंग मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वाई इट स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द हाइड्रोजन गैस विच इज़ रिलीज

अब ये रिएक्शन अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है यहां पे ये रिएक्शन किस तरह से क्योंकि इनके ब्रैकेट के सब्सटेंस भी देखिए एल्यूमिनियम सॉलिड है ठीक है, है इनकी स्टेट देखिए वाटर गैस है हेयर इज वाटर गैस वेयर एज इन अबव अब आप देखेंगे एच के ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है विच मीन्स इट इज लिक्विड सो हेयर द वॉटर विच इज यूज इज अ स्टीम ये स्टीम फॉर्म है फॉर्म हुआ एक सॉल्ट और रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस सो so, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट कैसे है कि अगर आपको ए एल के साथ चार इक्वेशन दी हैं एक केस में एच टू ओ गैस लिखा है एक केस में एच टू ओ सॉलिड लिखा है एक केस में एच टू ओ लिक्विड लिखा है देन इट विल बी ओनली रिएक्ट विद द एच टू ओ वेयर इन द ब्रैकेट इट इज गिविन गैस देयर ठीक है तो ये बहुत ये सिर्फ इतना सा पैराग्राफ है और इसमें से कम से कम दस से बारह एम सी क्यू है जो इजिली फ्रेम हो सकते हैं ठीक है देन द लास्ट क्वेश्चन मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वॉटर एट ऑल दीज आर लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड दीज फोर मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर एट ऑल ठीक है तो एक बार हम फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं रिविजन में फर्स्ट पार्ट क्या है वॉट हैपन वेन मेटल रिएक्ट विदर सो द पॉइंट हेयर इट फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज then different metals have different reactivity sodium and potassium react violently with cold water the reaction is so violent that it catches fire immediately it catches fire okay second calcium and magnesium they only react with hot water so in that case the hydrogen gas which is formed the bubbles which are formed they stick to the surface of metal due to which it starts floating so which metal float calcium and magnesium then the third one which do not react with cold and hot they are aluminum iron and zinc and what uh, in what form of water they react they react with steam only so that reaction is important and the last point which we have discussed which metals not at all react with water they are lead copper silver gold दे डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर एट ऑल तो अभी तक हमने दो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स कंप्लीट कर लिए दैट इज विद एयर एंड वॉटर नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज वॉट हैपन वेन मेटल रिएक्ट विद एसिड सो वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस ठीक है जब भी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल बी फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वॉटर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ठीक है अभी स्केच मिसप्लेस हो गया था चलिए सो वॉट हैपन मेटल मेटल हे आर वी आर टेकिंग जेड एन एंड इट इज रिएक्टिंग विद एच टू एस ओ फोर इट इज फॉर्मिंग जेड एन एस ओ फोर एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस सो विच मीन्स इट इज फॉर्मिंग अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट Uh, that metal react with all type of acid or with a few type of acid so there is one important exception in this case which is given to you in your book also and this is the point here all metal they react with acid forming salt and hydrogen whereas whereas only one acid hno3 विच डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ठीक है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व वेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर क्या सभी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते तो एक्सेप्शन है सिर्फ दो मैग्नीशियम और मैंगनीज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद एच एन ओ थ्री नाउ दो क्वेश्चन अराइजेस वाई मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री बिकॉज एच एन ओ थ्री इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सो वॉट हैपन द हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर तो जो इनिशियली ऊपर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था रिएक्शन में ठीक है यहाँ पे जो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था इसे वो कन्वर्ट कर देगा वाटर में और जो एनोथ्री है उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्साइड में ठीक है तो एक तो जनरल स्टेटमेंट है What happened when metal react with an acid? It produce salt and hydrogen gas. Only one exception that is HNO3. In case of HNO3, it does not produce hydrogen gas. It produce the water and the oxides of nitrogen. This is the point. And the second exception is that only two metals reacts with HNO3. And name to that metals. मैग्नीशियम दैट इज एम जी एंड मैंगनीट इज एम एन नाउसेंज बॉक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गिवन इन दिस दैट इज अ रॉयल सोल्यूशन और एक्वारेजियाजिया मिक्सचर है दो एसिड्स का देर आर इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स एच सी एल एंड एच एन ओ थ्री स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या आएगा और क्योंकि रेशियो इसका थ्री टू वन है दैट इज एस्ट एच सी एल अगर थ्री एम एल है तो एच एन ओ थ्री वन एम एल है तो इसको लर्न करने का तरीका देखिए एच एच दोनों में कॉमन है एल्फाबेटिकल सी पहले आता है तो एच सी एल पहले आएगा और एच एन ओ थ्री बाद में आएगा ठीक है सो एच सी एल इज टू एच एन ओ थ्री इज थ्री इज टू वन इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया जिसे हम रॉयल सॉल्यूशन भी बोलते हैं

नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो दैट मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद विच एसिड और आपको चार एसिड गिवन है एच टू एस ओ फोर एच सी एल एच एन ओ थ्री एंड सी एस थ्री सी ओ एच आंसर विल बी एच एन ओ थ्री सेकेंड थर्ड एम सी क्यू विच कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस टॉपिक वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वर तो आपको ऑप्शन में थ्री टू वन ही होगा बट इसके हमेशा सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाएगा एच एन ओ थ्री एच सी एल एच सी एल एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर तो हमेशा याद रखना है एच सी एल एच सी एल सी पहले आएगा और एच एन ओ थ्री तो है ही है नाइट्रिक एसिड है एक्जिया सो ऑप्शन विल बी थ्री टू वन उनका सॉल्यूशन रहेगा ठीक है अब हम लास्ट टॉपिक आते हैं ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द टॉपिक इज हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल सॉल्ट ठीक है मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ तो ये सारा डिपेंड करता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज पे जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी हमने फर्स्ट चैप्टर का डिसप्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉपर सोल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया था सो वॉट हैपन अगर वह ऑब्जर्वेशन अगर हम रिकॉल करें दैट इन दैट केस द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर और जो नेल डिप की है नेल के ऊपर क्या कलर आ जाएगा नेल के ऊपर कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो जाएगा ठीक है सो so, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इट इज अगेन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम रिएक्शन के नाम की बात करें दैट इज एफी प्लस सी यू फोर क्या बना इसमें एफ ई एस फोर प्लस सी यू अब ये रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट पॉइंट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस केस सी यू फोर इज ब्लू कलर विद पैसेज ऑफ टाइम इट कलर चेंजेस इन टू ग्रीन ठीक है अगर ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है ऑप्शन दिया जाता है कलर फेडेड और अ कलर चेंजेस इनटू ग्रीन तो आप इसमें फेड आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें ड्रास्टिक ऑब्जर्वेशन आती है कि वो ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया फेड होने का मतलब होता है कि ब्लू लाइट हो गया नहीं ये कंप्लीटली ग्रीन कलर सोल्यूशन हो जाता है सो द ऑब्जर्वेशन विल बी द ब्लू कलर चेंजेस इन टू ग्रीन कलर एंड अ शाइनी सब्सटांस दैट इज आयरन नेल पे शाइनी सब्सटांस डिपॉजिट हो जाएगा एंड दैट डिपोजिशन इज ऑफ कॉपर ठीक है चलिए अब यहां पे ये पॉइंट आ गया अब रिएक्टिविटी अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई भी शो हो रहा है वो किस वजह से शो हो रहा है बिकॉज इफ मेटल ए इज रिएक्टेड इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी देन ओनली दिस डिस्प्लेसमेंट विल प्लेस एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है तो एक बारी हम अभी रिकैप uh, लेते हैं कि वॉट हैपन वेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड मेटल रियक्ट विद एन एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन अगर हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन को एच सी एल से रिएक्ट कर रहे हैं तो दीज आर द प्रोडक्ट एम जी सी एल टू ए एल सी एल थ्री एफ ई सी एल थ्री इन ऑल द केस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज बट इन केस ऑफ एच एन ओ थ्री नो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज बाय बिकॉज इट इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट वाटर इन सॉरी विच कन्वर्ट हाइड्रोजन इंटू वॉटर एंड itself into nitrogen oxides that is N2O, NO and NO2. And what is the main important exception? That magnesium and Mn reacts with HNO3 and produce hydrogen gas. Rest all metal does not even react with this salt. And the last part, what happened when metal react with solution of other metal salt? Then again this is just a simple

चैनल पे अपलोडेड है कि आप इसको कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं कल नई कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी प्रॉब्लम है क्योर होगी अगर ऑडी प्लेटिना ये सीरीज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीरीज़ के बेसिस पे आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं तो होप आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है जितने एम हैं टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं तो आप रिवाइज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें